वेलकम टू माय चैनल कुक विद तब्बू। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी। यूजुअली इसको शादी की दावतों पर बनाया जाता है और जैसा इसका नाम है, इस चिकन को हम स्टीम पर पकाएंगे और इसे बनाना भी काफ़ी आसान है। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने चिकन के थाई विथ लेग पीस लिए हैं जो दोनों मिलाकर तकरीबन 400 ग्राम हैं। इन चिकन के पीसेस को नाइफ की मदद से इस तरह से कट्स लगाकर रख लें। इन पर कट्स लगाना जरूरी है, तभी ये चिकन फ्लेवरफुल और जूसी बनेगा। एक बोल में थोड़ा सा पानी ले लें। ये तकरीबन 1 लीटर पानी लिया है मैंने। इसमें 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून विनेगर डालकर इसको अच्छी तरह से नमक घुल जाने तक मिक्स कर लें। इस चिकन को हमें इस नमक और सिरके वाले पानी में 30 मिनट तक सोक करना है। इस प्रोसेस को ब्राइनिंग कहते हैं और ऐसा करने से ये चिकन टेंडर, जूसी और फ्लेवरफुल बनेगा। 30 मिनट बाद इस चिकन के पीसेस को किसी छन्नी में निकाल लें ताकि इसमें जो भी एक्सेस पानी है वो निकल जाना चाहिए। इन्हें पेपर टॉवल या कपड़े की मदद से ड्राई कर लें ताकि इनमें बिल्कुल भी पानी ना रहे। एक कढ़ाई या पैन में तेल को अच्छे से गर्म कर लें। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो हमें इन चिकन के पीसेस को फ्राई कर लेना है। ध्यान रखें कि हमें इस चिकन को पूरा गल जाने तक नहीं पकाना है। हम इन चिकन के पीसेस को सिर्फ 4 से 5 मिनट तक ही इस तेल में फ्राई करेंगे। 2 मिनट बाद इनको पलट दें और दूसरी साइड भी सिर्फ 2 से 3 मिनट ही इसको फ्राई कर लें। इस चिकन को मैंने हाई फ्लेम पर सिर्फ 5 मिनट ही फ्राई किया है और आप देख सकते हैं कि इसका कलर अब थोड़ा सा चेंज हो चुका है। बस इसको आप निकाल लें। अब इस फ्राई किए हुए चिकन को हमें पूरी तरह से ठंडा कर लेना है। जब तक ये चिकन ठंडा होता है, हम इसका मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। ये मैंने 1/4 कप दही लिया है। इसको अच्छी तरह से फेंट लें ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। इसमें नमक डाल दें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैं इसमें 1/2 टीस्पून जितना नमक यूज़ कर रही हूँ। और इसमें जाएगा 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। इसको और चटपटा बनाने के लिए इसमें 1/2 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई सूखी लाल मिर्चें भी डाल दें। इससे इस चिकन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। इस चिकन को अच्छा लुक देने के लिए मैं इसमें थोड़े से ऑरेंज फूड कलर के ड्रॉप्स ऐड कर रही हूँ। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसमें 1 टीस्पून नींबू का रस भी ज़रूर डालें और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके रख लें। ये चिकन के पीसेस भी अब पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं। अब इन पर तैयार किया हुआ मैरिनेशन लगा दें। जहाँ पर कट्स लगे हैं वहाँ पर भी इस मसाले को अच्छी तरह से लगाएं ताकि ये चिकन फ्लेवरफुल और टेस्टी बने। चिकन पर ये मसाला लगा लेने के बाद इसको कम से कम 2 घंटे तक ज़रूर मैरिनेट होने के लिए रखें या फिर ओवरनाइट भी आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। इस चिकन को स्टीम करने के लिए मैं इस तरह का ये छन्नी वाला बर्तन यूज़ कर रही हूँ और इसके ऊपर मैं बटर पेपर यूज़ कर रही हूँ ताकि जब ये चिकन स्टीम होगा तो इससे जो भी जूसेस वगैरह निकलेंगे वो नीचे ना गिरें और इसी में रहें। आप घर पर अवेलेबल कोई भी छन्नी वाले बर्तन का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। मैं जिस हांडी में इसको स्टीम करने वाली हूँ इसमें यही बर्तन फिट हो रहा था तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ और ये हीट रेजिस्टेंट भी है। और इस चिकन को मैरिनेट होते हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। इसको बटर पेपर के ऊपर रख दें और इस पर बचा हुआ मैरिनेशन का मसाला डाल दें। अब इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला, चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी सफ़ेद तिल भी डाल दें
और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और लेमन के स्लाइसेस भी डालकर इसको कवर कर दें। अब एक हांडी में इस तरह का कोई भी स्टैंड रख दें और इसमें पानी डाल दें। ध्यान रखें कि पानी इस स्टैंड से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब इसमें चिकन वाला बर्तन रख दें और इस हांडी को अच्छे से कवर कर दें। मैं इस हांडी को कवर करने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि इसमें जो भी स्टीम बनेगी वो बाहर नहीं जानी चाहिए। अब इस हांडी को चूल्हे पर चढ़ाएं और पहले 5 मिनट तक इसको हाई फ्लेम पर पकाएं और 5 मिनट बाद लो फ्लेम पर इसको 25 से 30 मिनट तक पकने दें। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है इस चिकन को स्टीम पर पकते हुए। अब फ्लेम को ऑफ करें और केयरफुली इस चिकन को निकाल लें। बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये चिकन और कितना टेंडर और जूसी भी बना है। आप देख सकते हैं कि ये चिकन अंदर तक पूरी तरह से गल चुका है और खाने में भी ये बहुत टेस्टी बना है। आप लोग भी इस चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक देना ना भूलें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।